त्रितस्य गंगा प्रवहति दीवोऽपि संस्कृतं कथयति। में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग गीता पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय। आज फिर से भगवान श्री कृष्ण की बातों को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन ने कहा कि नकांक्षे विजयम कृष्ण नचराज्यम सुखानिचा, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए, हम अपने ही लोगों को मारकर इस राज्य को, इस सुख को लेकर के क्या करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ये सब कुछ सुन रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं ना। अब इसमें उत्तर दे रहे हैं 33 श्लोक, 32वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, 33वां देखिए। भगवान ने कहा अत चेत्वमिमं धर्म्यम, अत चेत्वमिमं संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च, ततः स्वधर्म हित्वा पापमवाप्स्यसि। देखिए भगवान अब बोल रहे हैं ना, जब भगवान बोल रहे हैं तो उनके पहले बताए गए सभी बातों का उत्तर दे रहे हैं। इन हाँ, अर्जुन ने कहा था कि राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, ये सब लेकर के हम क्या करेंगे ना, और हाँ मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने पहले ही कह चुके थे ना कि हम अब लड़ना नहीं चाहते, हमें लड़ना पसंद नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न कुछ चाहिए, हम सोचते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा, कथम भीष्म महम संख्ये कथंच द्रोणंच मधुसूदन इश्वि प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा वरिषूदन, ये सारी बातें जो पहले उन्होंने कहा, अर्जुन जो कह रहे थे उन्हीं का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं ना। एक लाइन याद रखिएगा दूसरे अध्याय में ही, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्सैति उक्त्वा तोष्ट। तो ये संजय बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ये कह दिया कि नयोत्सैति गोविंदम, ए गोविंद हम लड़ेंगे नहीं, इति उक्त्वा ऐसा कह करके तूष्णीम बभू चुप हो गए। जब अर्जुन चुप हो गए तब से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो ये लाइन लिखना नयोत्सैति गोविंदम, मैं नहीं लड़ूंगा, एकदम फाइनली बता दिया ना कि मैं लड़ूंगा नहीं। और इसके पहले प्रथम अध्याय में भी कहा कि नकांक्षे विजयम राजन, मैं विजय नहीं चाहता, न राज्य चाहता, न सुख चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, तो मैं लड़ाई क्यों लड़ूं। भगवान समझाने लगे, उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे तो भगवान ने कहा अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, संग्राम नहीं करूंगा, ये किसने कहा? तो भगवान ने कहा अथ माने तदनंतर, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो, चेत माने यदि, त्वम माने तुम, इमम धर्म्यम संग्रामम, इमम माने यह और धर्मम माने धर्म युद्ध है, ये कैसा युद्ध है? हाँ, ये धर्म संग्राम है, धर्म संग्राम, इमम धर्म, इमम भी संग्रामम का विशेषण है, धर्म्यम भी संग्रामम का विशेषण है, संग्राम कैसा है, ये युद्ध कैसा है, धर्म्यम संग्रामम, और तुम धर्म संग्राम नहीं करोगे तो ततः माने तब तो स्वधर्मम, ये स्वधर्म क्या है, स्वधर्म अर्जुन का स्वधर्म क्या है, लड़ाई करना है तुम्हें, युद्ध करना है, संग्राम करना तुम्हारा धर्म है, तो स्वधर्म और कीर्तिम चा ये हित्वा माने छोड़ कर, त्याग कर, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे, पापम अवाप्स्यसि, माँ में हलंत लगा के आ को अलग कर दो, अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, अब आपसे स्लिट लकार भविष्य काल में, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप प्राप्त करोगे, पाप मिलेगा ना। जब जब आप अपना धर्म छोड़ते हैं, जब जब आप अपना स्वधर्म छोड़ते हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं कि पाप मिलता है। कृष्ण भैया सुन ले ध्यान से, आप शिक्षक हैं, 50-60 हज़ार 70 हज़ार वेतन पा रहे, कक्षा 9-10-11-12 में आपको पढ़ाना है, 9 वाले लड़कन से कहे जाओ और नहीं पढ़ाएंगे, तो आपने क्या छोड़ दिया? स्वधर्म छोड़ दिया। और शिक्षक यदि पढ़ाना छोड़ दे क्लास में, तो स्वधर्म छोड़ेगा तो कुछ मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? तो ये चूंकि मैं शिक्षक हूं इसलिए आपसे कहता हूं, एक सामान्य उदाहरण है, हर व्यक्ति सैनिक लड़ना छोड़ दे, नेता नेतृत्व करना छोड़ दे, अधिकारी अपना अधिकार छोड़ दे, बोलिए, जिसके ऊपर समाज को व्यवस्थित करने का दायित्व, ऐसा दरोगा, ऐसा पुलिस कानून व्यवस्था को छोड़ दे, तो ये सब स्वधर्म छोड़ना होगा।
और यदि स्वधर्म छूट जाएगा तो पाप मिलेगा, ये बात पक्की पक्की गीता की बात कह रहा हूँ आपसे। तो ततहा तदनंतर इसके बाद स्वधर्मम और कीर्तिम चा माने और कीर्ति माने कीर्ति, और आपकी कीर्ति किससे बनती, किसी भी नेता की कीर्ति बनती है उसका नेतृत्व कैसा है। किसी दरोगा की या एसपी की या डीएम की या एसएसपी की या एसडीएम की कीर्ति बढ़ती है उसके काम से। यदि वह अपना स्वधर्म ठीक से करे तो वो कीर्ति के लिए नहीं करता है, पर कीर्ति बढ़ती ही है। कीर्ति के लिए कोई काम करता नहीं है कि मैं, तुम मुझे बोलो कि यस 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 कीर्ति मुझको चाहिए ही चाहिए। आप अपना स्वधर्म करो। कोई अध्यापक प्रतिदिन अपना पीरियड समय से ले, जो बोले वो छात्रों के साथ ईमानदार रहे, अपना स्वधर्म करे तो उसको कीर्ति अपने आप मिलेगी। सैनिक अपना स्वधर्म करे, कीर्ति अपने आप मिलेगी। अब डीएम एसडीएम नेता अधिकारी मजदूर किसान छात्र सब अपना अपना स्वधर्म बस करें, कीर्ति अपने आप मिलेगी। हाँ या ना बोलो। और यदि आप स्वधर्मम हित्वा, यदि आप त्याग दिए, संग्राम आपका धर्म है, संग्राम करना आपका स्वधर्म है, और स्वधर्म छोड़ोगे तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, आप स्वधर्म छोड़ेंगे कीर्ति अपने आप छूटेगी, अपकीर्ति होगी आपकी। माने कोई दरोगा जिसको मानो पकड़ना था उसको ना पकड़ करके ईमानदार आदमी को पकड़ के दो लात मार दे। आप अपना स्वधर्म माने जिस माफिया को डान को गड़बड़ आदमी को पकड़ना था तो उसको ना पकड़ के जो रपट लिखाने गया एफआईआर कराने गया उन्हें इनको बंद कर दे कि साले तुम्हें इनको लो तुम्हें इनको चार छह लात मार दे। बात समझ में आया। फोन किसी और से कर रहे हैं, आइए लंबी चौड़ी हाँ करें कि ब्याह करेंगे तुमसे, ब्याह करेंगे बाद में ब्याह दूसरे से के लिए, ये तो भैया स्वधर्म का छोड़ना हुआ ना। तो इससे आपकी कीर्ति और स्वधर्म दोनों को छोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा, पापम। अब आपसे ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं रविंद्र जैन, हाँ हमारा वचन नहीं, नहीं तो आप कहते हैं कि हाय राम गुरु जी ये क्या कह रहे हैं। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम, अथ चेत्वम इमं संग्रामम न करिष्यसि। तो मोटी मोटी बात जान लो, संग्रामम चेत न करिष्यसि। यदि तुम देख करिष्यसि क्यों कहा, चूंकि यहाँ त्वम है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति करिष्यस ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। भविष्य काल में यदि तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे, यदि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो पाप प्राप्त करोगे, ये भी लट लकार का है भविष्य काल का। और यहाँ भी कर्ता त्वम है, त्वम माने तुम, माने तुम, हाँ तो तुम कौन, तुम अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण कहा तुम अर्जुन, त्वम माने तुम अर्जुन। और इमं धर्म्यम संग्रामम ना करिष्यसि, एकदम सिंपल बात है, संस्कृत एकदम हिंदी की तरह है। इमम माने यह, धर्मम माने जो धर्म संग्राम है, ना करिष्यसि नहीं करोगे, तथा तो तुम्हारे इस धर्म संग्राम को ना करने से होगा क्या, तथा माने तदनंतर इसके बाद ये होगा कि लोग ये कहेंगे कि क्षत्रिय होने के कारण अपना स्वधर्म छोड़ दिया, और जो जो व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ेगा उसकी कीर्ति भी उसको छोड़ देगी, उसका यश नहीं अपयश फैलेगा। तो स्वधर्म और कीर्ति को हित्वा छोड़ करके, हित्वा एक त्वा प्रत्यय है, गत्वा माने जाकर, पठित्वा माने पढ़कर, तो हित्वा माने छोड़कर, ओहाक त्यागे धातु से हित्वा बन गया, त्वा प्रत्यय लगा के छोड़ करके, स्वधर्म छोड़ करके, कीर्ति को छोड़ करके, पापम अवाप्स्यसि, कुछ तो मिलेगा तुम्हें, कुछ तो मिलेगा। और क्या मिलेगा, आप गलती काम करोगे तो भाई दंड मिलेगा, गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा, और गलत काम करोगे तो क्या पता तुम्हारे द्वारे में बुलडोजर तुमको खड़ा मिलेगा, अखड़ा मिलेगा, क्या पता तुम्हारा खड़ा घर गिरा मिलेगा, कुछ मिलेगा। स्वधर्म और कीर्ति नष्ट होगी तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, भगवान का पाप मिलेगा, यही पाप है। आप गलत काम करोगे, अपना स्वधर्म छोड़ोगे, भाई जिसको जिसको भी दंड मिला। पाप का मतलब क्या है, पाप कोई व्यक्ति नहीं है कि ये पाप है ये पुण्य है, पाप है आपके अच्छे कार्यों का परिणाम वो पुण्य, और बुरे कार्यों का परिणाम ये पाप है। तो पाप मिलेगा मतलब दंड मिलेगा, दंड मिलेगा मतलब वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है चार छह डंडा मिले, हो सकता है चार छह महीने की कैद मिले, ये पाप है। हो सकता है तुम्हारा घर बुलडोजर से गिराया जाए, ये पाप है। हो सकता है तुमको पुलिस पकड़ के ले जाए फिर दौड़ा करके तुमको गोली धांस दे, ये पाप है। पाप मिलेगा मतलब तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा कुछ ये नहीं, आप अच्छा काम करोगे आपको पुरस्कार मिल रहा है, आपको भारत रत्न मिल रहा है, आपको पद्मश्री मिल रहा है, पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण मिल रहा है, ये आपको पुण्य मिल रहा है। चार लोग आपकी चर्चा करते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
यही तो पुण्य है। पुण्य और पाप का लेखा जोखा कुछ और नहीं है, आपके द्वारा राष्ट्र में, समाज में, दुनिया में किए गए कामों का जो आपको एक वाचिक सपोर्ट मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लोगों के अच्छे कार्यों की चर्चा में आपका नाम आता है, कीर्ति मिलती है, क्योंकि आप अपना स्वधर्म का पालन करते हैं तो कीर्ति आपको छोड़ती नहीं है। और कीर्ति समाप्त हो जाएगी क्योंकि तुम स्वधर्म छोड़ रहे हो। स्वधर्म है तुम्हारा धर्म्यम संग्रामम को करना, धर्म्यम संग्रामम करिष्यसि तो पुण्यम अवाप्स्यसि, लिखा नहीं है पर आप इसका उल्टा करें तो क्या होगा, धर्मम संग्रामम ना करिष्यसि तो पापम अवाप्स्यसि, और यदि धर्म्यम संग्रामम करिष्यसि तो पुण्यम अवाप्स्यसि। सीधी सी बात है, एक ये मिलेगा तो ये मिलेगा, इसका मतलब धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो पाप मिलेगा और धर्म संग्राम करोगे तो पुण्य मिलेगा। और देखो अर्जुन को पुण्य मिला, अर्जुन की आज हम चर्चा करते हैं पूरी गीता में, इसीलिए कि अर्जुन ने लड़ाई लड़ी और जीती, अर्जुन ने धर्म संग्राम को जीता, धर्म की रक्षा की, न्याय की रक्षा की, उचित की रक्षा की। और यदि वो अर्जुन भाग गया होता तो आज हम ही आप बैठ करके अर्जुनवा को कोस रहे होते, गरिया रहे होते कि सबसे नालायक, लंठ, बेकूफ, मूर्ख भाग गया। बोलिए इस गीता में अर्जुन आज खलनायक होता, पूरे महाभारत के युद्ध में पीठ दिखा करके भाग जाने की बात होती, कोई आदमी अपने बेटवा का नाम अर्जुन नहीं रखता। सचिन तेंदुलकर ऐसे थोड़ी अपने बेटवा का नाम अर्जुन रखा है। बोलिए ये सिर्फ इसीलिए है कि ये भगवान कृष्ण के सखा हैं और भगवान कृष्ण की सुन रहे हैं। ततः स्वधर्मम कीर्तिम चा, अपना स्वधर्म और कीर्ति दोनों को छोड़ करके पापम अवाप्स्यसि, कंडीशन है, शर्त है, कब, जब तुम धर्मम संग्रामम ना करिष्यसि, जब तुम धर्मम संग्रामम को नहीं करोगे, और करोगे तो ऐसा लिखा नहीं कि गीता में। अरे ये इसका उल्टा हो गया ना कि भाई आप अथ इसके बाद चेत माने यदि, तुम माने तुम, इमम माने इस, धर्म माने धर्म, संग्राम को ना करिष्यसि, नहीं करोगे तो परिणाम क्या होगा। ये तो है आपकी क्रिया और इस क्रिया का परिणाम यानी प्रतिक्रिया ये होगी। कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ना, कोई कार्य होगा तो उसका परिणाम होगा। ये तुम्हारा कार्य होगा कि युद्ध का ना करना और इस कार्य का इस दो लाइन में परिणाम होगा। बोलिए ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये तुम्हारी सफलता है, ये तुम्हारे द्वारा किया गया काम है। ये बुरा काम है, ये क्या है, हाँ अब तुम अतीक की तरह करोगे कि भैया मुख्तार अंसारी की तरह करोगे, फिर बाद में कहोगे कि भैया उनको यहाँ पकड़ के ले गए, उनको वो मार दिया, वो मार दिया। तो भाई ये क्यों लिखा, गीता के अनुसार निर्णय हो रहा ना, पापम अवाप्स्यसि, पाप मिलेगा। और हाँ बात ये नहीं संग्रामम करिष्यसि भर नहीं लिखा, भगवान कृष्ण बड़ी चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, और उन्होंने इस बात को कहा कि भैया इमम धर्म्यम संग्राम, वह संग्राम धर्म संग्राम होना चाहिए, माने न्यायोचित, धर्मोचित, उचित जिसको कहते हैं धर्म। भाई आप किसी को सता रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं, पर सताए हुए की रक्षा कर रहे हैं तो ये धर्म कर रहे हैं, लड़ाई दोनों में कर रहे हैं। जब आप किसी को मार रहे हैं तो भी संग्राम ही कर रहे हैं, पर आप यदि किसी मारे जाने वाले की ओर से खड़े होकर के संग्राम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो भी ये संग्राम तो है पर ये धर्म्यम संग्रामम है। आप समझ गए, तो धर्म्यम संग्रामम करिष्यसि चेत माने यदि तुम धर्म संग्राम करोगे तो पुण्यम अवाप्स्यसि, और धर्म्यम संग्रामम ना करिष्यसि तो मतलब अधर्म संग्राम, धर्म संग्राम से भाग रहे हो, अधर्म कर रहे हो तो पापम अवाप्स्यसि, और साथ में बोनस मिलेगा कि अपना धर्म, क्षत्रिय का धर्म लड़ना, वो धर्म हित्वा छूटेगा और कीर्तिम, वो कीर्ति छूटेगी। देखिए आगे भगवान कृष्ण कहेंगे कीर्ति का छूटना भी मरना ही है। किसी के जिंदगी में अपशकुन हो जाए, अकीर्ति आ जाए, अपयश आ जाए तो वह भी मरना। आगे श्लोक में भगवान कृष्ण इसको क्लियर करेंगे कि तुम तो दोनों में मरोगे, लड़ोगे तो भी मर सकते हो पर उसमें बचने के चांस हैं। भाई लड़ने के बाद जीत भी तो सकते हो, बच सकते हो, पर ना लड़ने में तो अकीर्ति होगी और अकीर्ति तो अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर है। तो अब भगवान ऐसे दोराहे पे अर्जुन को खड़ा कर दें कि बताओ ससुरा दोनों ओर से मरना है। भाई एक तरफ से तो 50-50 चांस है कि युद्ध में मर भी सकते हो, जीत भी सकते हो, पर युद्ध से भागना तो मरने से भी बढ़कर होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, निर्णय कर लो। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे, इस श्लोक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, समझना
भगवान कृष्ण संग्रामम का दो विशेषण देते हैं, एक इमम और एक धर्म्यम। इमम धर्म्यम संग्राम करता है त्वम, और इसीलिए करिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है भविष्य काल के लट लकार में। त्वम से बोध हुआ अर्जुन का ना, और तथा स्वधर्म और कीर्ति को छोड़ेगा कौन? अर्जुन। और अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते स्वधर्म है उसका युद्ध करना, तो अपना युद्ध करना छोड़ दोगे तो स्वधर्म तुमको छोड़ देगा, अपने स्वधर्म को छोड़ दोगे और कीर्ति तुमको अपने आप छोड़ देगी। जब भी कोई किसान किसानी करना छोड़ दे, सैनिक लड़ना छोड़ दे, अध्यापक पढ़ाना छोड़ दे, अधिकारी अपना अधिकार को प्रयोग करना छोड़ दे, नेता अपना नेतृत्व का कार्य छोड़ दे, जनता को आगे ले जाने का काम छोड़ दे, इस तरह का जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप स्वधर्म त्यागते हैं। और जो जो व्यक्ति स्वधर्म त्यागेगा उसको कीर्ति उसको त्यागेगी, कीर्ति अपने आप छूटेगी, भागेगी उससे, और तो फिर उसको पाप मिलेगा। यही पाप है, अर्थात उसको दंड मिलेगा, अर्थात उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अब कार्यवाही किस प्रकार की होगी ये तो राजा तय करेगा, ये तो न्याय तय करेगा, ये तो न्यायालय तय करेगा, पर पाप का मतलब है आपको दंड मिलेगा। पाप मिलेगा मतलब दंड मिलेगा, पुण्य मतलब आपको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो पुण्य और पाप को आप इस प्रकार से समझिएगा 21वीं शताब्दी में 2022 में, ठीक। तो अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यम्, अथ चेत् त्वम् संग्रामम् न करिष्यसि, संग्रामम् न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम् कीर्तिञ्च, ततः स्वधर्मम् हित्वा पापम वाप्स्यसि, हित्वा पापम में द्वितीय का एक वचन है, अवाप्स्यसि में अब उपसर्ग है आप धातु से, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति आप्स्यसि ऐसा रूप चलेगा, और अब उपसर्ग लगा दोगे तो अवाप्स्यसि ऐसा बन जाएगा, अब उपसर्ग है। क्यों गुरु जी? अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, क्या पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त करोगे, लेकिन स्वधर्मम और कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए आप कीर्ति को प्राप्त करते हैं और स्वधर्म को छोड़ते हैं तो कीर्ति को भी छोड़ते हैं। अपने धर्म पालन को जब आप छोड़ते हैं आशुतोष भैया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कीर्ति को भी छोड़ रहे होते हैं, और स्वधर्म और कीर्ति दोनों को छोड़कर तभी पाप मिलेगा, नहीं स्वधर्म करने वाले को कीर्ति भी मिलेगी और इधर पाप की जगह पुण्य मिलेगा, बोलो हाँ। तो अर्थात पाप कर्म ना करो, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं, संग्राम को छोड़ करके भागना यह पाप कर्म होगा, धर्म संग्राम को छोड़कर भागते हो तो यह पाप कर्म होगा, और पाप कर्म ना करो, पाप मिलेगा, यानी स्वधर्म मत छोड़ो, कीर्ति के साथ रहो। एक क्षत्रिय की कीर्ति इसी बात पर होती है कि वो लड़ाई लड़ा, मरा कि जिया ये अलग बात है, लेकिन वो लड़ा। आप देखिए हमारी सेना का कोई सैनिक लड़ते हुए पाकिस्तान से भाग आए, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे 22 में, आप उसको फिर जब भाग करके आएगा तो माला पहनाओगे? बोलिए आपको क्या लगता है? और यदि कोई सैनिक पाकिस्तान में लड़ते लड़ते उतर जाए, लड़ते लड़ते भी पाकिस्तान की धरती पे उतर जाए और जिंदा वापस आए, तब आप क्या करोगे? तब आप उसका अभिनंदन करोगे? बोलो हाँ, अभिनंदन करोगे कि नहीं? यही बात है, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि भैया तुम युद्ध से भागोगे तो जूतों की माला हो सकती है तुम्हें मिले, लोगों की बातें पता नहीं क्या क्या सुनने को मिले, और यदि धर्म संग्राम करोगे तो तुम्हें अभिनंदन की तरह तुम्हारा अभिनंदन किया जाएगा, लोग तुम्हें याद रखेंगे। और आज अर्जुन तो नहीं है, पर इस भारत में हजारों हजार अर्जुन है। बोलिए, आप अपने बेटे का नाम अर्जुन रखने में गौरव महसूस करते हैं, लगता है कि मेरा बेटा अर्जुन की तरह हुए, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने धर्म संग्राम लड़ा था और धर्म संग्राम को लड़कर जीता था। नहीं तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, हम फिर नए श्लोक के साथ मिलेंगे। यदि श्लोक अच्छा लगा हो और व्याख्या इस प्रकार की अच्छी लगती हो आज के 2022 के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से अपने साथी नाना चाचा काका मामा फूफा साली अपनी प्रेमिका प्रेमी सबके पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, और ये कहिएगा कि कम से कम अपने जीवन में कुछ पढ़ें ना पढ़ें पर गीता जरूर पढ़ें। इसलिए नहीं कि आपको TGT PGT LT देना है, परीक्षा मास्टर बनना है, इसलिए कि हमें जीवन जीना है और हमें भी अपना स्वधर्म करना है, हमको भी अपनी कीर्ति की रक्षा करनी है, और हमको भी समाज में एक राष्ट्र में अपना
क्या भूमिका है, मेरा क्या रोल हो सकता है, उसको जानना है। तो आप भगवान कृष्ण के इन वचनों को स्वयं से तो नहीं पढ़ सकते, यदि पढ़ सकते हो तो ये तो गीता है, बहुत सरल है, बड़ी सहज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं तो आपको जो जिनसे समझ सकते हैं उसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो मुझसे ही पढ़िए, पर ये मैं जरूर कहता हूँ कि गीता पढ़िएगा जरूर। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।